अब रखिए आप। आज हम लोग दीपावली के पूर्व अवसर पे और बजरंग बली जयंती भी आज है और हम लोग एक तरीके से सभी परिवार के लोग, संस्था के लोग मिल करके आज हम लोग एक पूजा का छोटा सी जो है कार्यक्रम रखे हैं। और खास तौर से ये हम लोग आज एक मैसेज भी आप लोग के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देना चाहते हैं कि पोल्यूशन पे विशेष ध्यान दिया जाए, पटाखा कम छोड़ा जाए और जितना भी हो सके इको फ्रेंडली। आजकल तो LED का ज़माना है, लेटेस्ट बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि जिससे आपको जो, चूँकि दीपावली एक लाइट का पर्व है, इसमें जो है लाइट का ही ज़्यादा लोगों का होता है। हम चाहेंगे कि लोग खास तौर से, जिससे कि एक तो पोल्यूशन भी बचेगा पटाखे बजाने से, दूसरा है कि पटाखे भी यदि बजाए तो ऐसा हो जिसमें पोल्यूशन कम से कम हो। और ख़ासतौर से गार्जियन को भी हम बोलेंगे कि अपने बच्चों के साथ, क्योंकि इसमें दुर्घटनाओं का भी बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। जैसा कि तमाम चाइनीज ज्वेलरी मार्केट में आ गए, पूरा बाजार चाइनीज सामानों से पट गया, तो क्या कहेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए चाइनीज सामानों को लोग बहिष्कार कर भारतीय सामानों। देखिए, सच्चा बात, सही बात है कि आपने जो क्वेश्चन किया, ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ही नुकसान दे रहा है। और दिक्कत ये बात है कि हमें अल्टरनेटिव उसका सोचना चाहिए, इसमें भारत सरकार भी लगी हुई है। और ख़ास तौर से देखिए, जब हम बहिष्कार जब हम करेंगे तभी जा कर के इसका बहिष्कार हो पाएगा। और हम पहले इसका अपने घर में लाए ही ना तो ज़्यादा अच्छा है। यदि हम लाते हैं, हम इसको यूज करते हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं हमारी भी मजबूरी होती है कि जो सरकार भी इसमें थोड़ा सी जो, लेकिन यदि सरकार भी वाकई में सोच ले कि हमें नहीं मंगाना है तो बहुत से रास्ता ऐसा है, कानूनी ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत हम लोग इसका कर सकते हैं। इसमें हम सभी सरकार और सबका सहयोग होना चाहिए। सबसे पहले तो आप सभी को बसंत कुमार इंस्टीट्यूशन की तरफ से हम समस्त काशीवासियों को प्रकाश के पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं। आज हम सभी दीपावली की पूर्व संध्या पर प्रकाश के पर्व, और आज जैसा कि आप सभी जानते हैं छोटी दीपावली भी है, तो हम अपने ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में रंगोली का एक कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जहां पे मिट्टी के दिए से बने हम दीपक का उपयोग कर रहे हैं और रंगोली का सजावट कर रहे हैं। और हम यह दे रहे हैं, हम समाज में यह संदेश देना चाहते हैं कि जैसे कि चाइनीज़ मार्केट हमारे भारत में भी आके व्यवस्था बना चुकी है, लेकिन यहाँ पे कुछ गरीब तबके के लोग हैं जो मिट्टी के दीपक बना के अपने पेट पालते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं और जिससे उनका दीपावली बनता है। तो हम सभी यही संदेश देना चाहते हैं कि मिट्टी के दीपक, ग्वालिन और जो भी दिए होते हैं उनका आप अधिक से अधिक खरीदारी करें और उनकी भी दीपावली को आप अच्छा बनाएं। हमारा बस समाज से यही